गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्री डिजिट्स नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और डिसेंडिंग बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट है हमारा 259, 648, 468, 312 and 175. अब हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए कैसे अरेंज करेंगे. सबसे पहले स्मॉल नंबर. अब हम स्मॉल नंबर को कैसे देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे 100 की प्लेस. 100 की प्लेस पे हमारा कौन से नंबर आ रहे हैं. 2, 6, 4, 3 और 1. इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा. 1. इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 175. इसलिए हम 175 को लिखा. उसके बाद हमारा उससे बड़ा नंबर कौन सा हुआ. 2, 6, 4 और 3. इसमें से कौन सा नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. 2. तो हम लिखेंगे 259. फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हुआ हमारा 175. सेकेंड 259. अब हमारे तीन नंबर और बचे हैं. अब हम फिर से देखते हैं 100 की प्लेस पे. पहले है हमारा 6, फिर 4 और फिर है 3. इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा नंबर 3, मतलब 312. अब हमारे पास कितने नंबर बचे. 2 नंबर, 648 एंड 468. इसमें से हमारा 100 की प्लेस पर कौन सा नंबर है जो स्मॉल है. 6 या 4. तो हम लिखेंगे 468. और लास्ट में हमारा कौन सा नंबर बचा. 648. अब हमने इन नंबर्स को कैसे अरेंज किया. स्मॉल टू बिग. पहले स्मॉल, फिर बिग, फिर बिग, फिर बिग और फिर उससे बिग नंबर. अब हम अगले नंबर देखते हैं. पहला है हमारा 635, 365, 653, 356 एंड 563. हम 100 की प्लेस पर देखेंगे तो हमारे हैं नंबर 6, 3 और 5. अब यहाँ पे 6 वाले दो नंबर हैं और 3 वाले दो नंबर हैं. अब हम इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे देखेंगे. पहले हम 3 वाले दोनों नंबर को देखेंगे. अब हम 100 के बाद कौन सी प्लेस को देखेंगे. टेंस वाली. तो टेंस वाली प्लेस पर है हमारा 6 और 5. तो छोटा नंबर हुआ हमारा 356. उसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा 365. तो हम यहाँ 365 को लिखेंगे. अब इसके बाद 100 की प्लेस में छोटा नंबर कौन सा है हमारा. स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर 5, 563. अब हमारे पास कौन से नंबर बचे हैं. 635 एंड 653. 100 की प्लेस दोनों की सेम है इसलिए हम कौन सी प्लेस को देखेंगे. टेंस वाली. तो टेंस वाली प्लेस पे एक है हमारा 3 और दूसरा है 5. तो कौन सा नंबर छोटा हुआ हमारा नंबर 3. इसलिए हम कौन सा नंबर लिखेंगे 635. उसके बाद कौन सा नंबर बचा हमारा 653. हमें नंबर्स को अच्छे से देखना है कि पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा. इसी तरह नंबर्स को अरेंज करेंगे. असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग. पहली रो में है हमारा 175, 259, 312, 468 एंड 648. इसी तरह हमने नीचे वाली लाइन को भी अरेंज किया स्मॉल टू बिग. अब हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर.
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं बिग टू स्मॉल, पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। हमारे नंबर हैं 367, 419, 941, 276 एंड 637। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा था, पहले सबसे पहले 100 की प्लेस को, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सबसे पहले 100 की प्लेस को देखेंगे। 100 की प्लेस में हमारे हैं 3, 4, 9, 2 और 6। अब सबसे बड़ा बिग नंबर कौन सा है हमारा? नंबर 9। इसलिए हमारा सबसे बिग नंबर कौन सा हुआ? 941। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 941। उसके बाद हमारे कौन से नंबर बचे? नंबर 3, 4, 2 एंड 6। अब इसमें से सबसे बिग नंबर कौन है? 100 की प्लेस पर कौन सा बिग नंबर है? नंबर सिक्स। तो 637। 941 के बाद कौन सा नंबर है हमारा भी? 637। तो हमने यहाँ लिखा 637। अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 367, 419 एंड 276। इसमें 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर बिग है? 3, 4 या 2? कौन सा नंबर बिग है? नंबर 4, 419। अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 2 नंबर, 367 एंड 276। अब 100 की प्लेस पर बिग नंबर 3 या 2? कौन सा नंबर बचा बताइए? नंबर 3। तो यहाँ पर आया 367। इसके बाद कौन सा नंबर बचा हमारा आखिरी? 276। तो हमने यहाँ लिखा 276। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बिग टू स्मॉल नंबर किए, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हम अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन है हमारी 210, 120, 220, 202, 122। अब इसमें 100 की प्लेस पर तो हमारे 2 और 1 आ रहे हैं, इसलिए पहले देखते हैं 200 वाले नंबर। 200 वाले नंबर कौन कौन से हैं हमारे? 210, 220 एंड 202। अब हमें इन तीनों में से कौन सा नंबर देखना है? बिगर नंबर। अब बिगर नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे? 100 की प्लेस तो हमारी सेम है, अब हम कौन सी प्लेस देखेंगे? टेंस वाली। टेंस वाली प्लेस पर पहले है हमारा 1, 2 और 0। अब 1, 2 और 0 में से हमारा बिगर नंबर कौन सा है? नंबर 2। तो हमारा बिगर नंबर कौन सा होगा? 210, 220 या 202? बिगर नंबर कौन सा होगा हमारा? 220। इसलिए हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? 220। इसके बाद कौन सा आएगा हमारा बिगर नंबर? 210 या 202? 210। इसलिए हमने यहाँ लिखा 210। अब उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 वाला? 202। अब बचे हमारे कौन से दो नंबर? 120 एंड 122। अब इसमें हमारी 100 की प्लेस सेम है, अब हम देखेंगे टेंस की प्लेस। तो टेंस की प्लेस भी हमारी सेम है, क्योंकि टेंस की प्लेस पर भी 2 है और 2 है। तो अब हम कौन सी प्लेस देखेंगे? वंस। और वंस की प्लेस में एक में है हमारा 0 और दूसरे नंबर में है हमारा 2। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ हमारा? 122। तो हमने क्या लिखा? 122। अब कौन सा नंबर बचा हमारा? 120। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया? बिग टू स्मॉल, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और फिर उससे छोटा नंबर। अब हम देखते हैं आपकी बुक का पेज नंबर 51।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए. इंक्रीजिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग. फर्स्ट नंबर है हमारा 618, 825, 611, 412, 481, 374. क्या करना है हमको इसमें? सबसे पहले कौन सी प्लीज देखना है? 100 की प्लीज. तो 100 की प्लीज में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है सबसे स्मॉल? 6, 8, 6, 4, 4 और 3. सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा स्मॉल नंबर? 373. इसलिए हम कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पर? 374. इसलिए फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा 374. अब 3 के बाद कौन सा नंबर है स्मॉल? इन नंबर्स में से 100 की प्लेस में 6, 8, 6, 4 और 4. अब यहाँ पर 4 वाले कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं. तो 2 में से अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे? इसलिए हम कौन सी प्लेस को देखेंगे? टेंस की प्लेस पर. टेंस की प्लेस पर इसमें है हमारा 1 और इसमें है 8. तो कौन सा नंबर लिखेंगे हम? स्मॉल नंबर कौन सा है हमारा? 1. तो हम यहाँ पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? 412. इसी तरह इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा? 481. अब कौन से नंबर बचे हमारा? हमने इसे लिख लिया, इसे लिख लिया और इसे लिख लिया. अब बचे हमारे 618, 825 और 611. अब हम देखेंगे 100 की प्लेस. 100 की प्लेस में 6, 8 और 6. अब ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं? सेम है. इसलिए हम देखेंगे वंस की प्लेस. वंस की प्लेस में हमारे यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है. तो अब हम कौन सी प्लेस को देखेंगे? वंस. वंस की प्लेस में है हमारे यहाँ पर 8 और यहाँ पर है 1. इसलिए कौन सा नंबर छोटा हुआ हमारा? 611 या 618? 611. तो हम यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे? 611. और इसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे? 618. अब उसके बाद लास्ट में नंबर बचा हमारा 825. ऐसे ही आपको ये बाकी जितने भी असेंडिंग ऑर्डर हैं आपको बुक और कॉपी दोनों में करने हैं. अब हमारा आया राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में. पहला है हमारा 284, 839, 412, 809, 732 और 439. अभी असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया था? पहले स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग और फिर उससे बिग नंबर. और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम? पहले बिग, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल और फिर उससे स्मॉल नंबर. डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं. यहाँ पर फर्स्ट है हमारा 100 की प्लेस पर 2, 8, 4, 8, 7 और 4. अब 8 नंबर हमारा बड़ा है. अब 8 में हमारे कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स. इसलिए हम देखेंगे टेंस की प्लेस. टेंस की प्लेस में इसमें आ रहा है हमारा 3 और इसमें है 0. तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ हमारा? 839. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? 839. सेकेंड 809. अब हमारे ये 2 नंबर तो हो गए. अब हम कौन सी लिखेंगे? 732. 7 के बाद कौन सा नंबर है हमारा स्मॉल? 4. यहाँ पर 4 वाले भी 2 नंबर हैं. अब हमने टेंस की प्लेस में देखा यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3. तो कौन सा नंबर बिगड़ हुआ हमारा? 3. तो हमने लिखा 439. उसके बाद 412. अब लास्ट नंबर कौन सा बचा हमारा? 284. तो हमने यहाँ पे लिखा 284. अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप इनको सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में और बुक दोनों में करेंगे. थैंक यू.